नमस्कार, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारा पूरा देश या देश का हर वो व्यक्ति कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस कोरोना की जंग में हम आज नहीं तो कल जरूर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि वो एक महामारी से डर जाए। इस देश ने अनेकों महामारियां देखी हैं, अनेकों ऐसी स्थिति देखी है, लेकिन उस सभी स्थितियों से देश के लोग और पूरा देश बहुत अच्छे से लड़ा है और एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर हुआ है। तो कोरोना को भी हम निश्चित रूप से मात देंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति चाहिए। जितने भी हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उन सभी से ये कहना चाहेंगे कि ये समय वो नहीं है कि हम राजनीति करें। हालांकि राजनीति करना भी अपना एक धर्म है, लेकिन जब ऐसी महामारी है, जब पूरा देश संकट में है, तो हम सभी को एक साथ जुट होकर, सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस कोरोना की जंग से लड़ना है। अगर हम राजनीति करेंगे तो फिर कोरोना से कौन लड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे जो साथ पैनल में बैठे हुए हैं, मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा श्याम सुंदर शर्मा जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी का, जो कि जाने माने एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और समर्थक हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा डॉक्टर आलोक भारद्वाज से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आप तीनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके स्टार्टिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा और उसके बाद हम जो है चर्चा जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो राजनीति ज्यादा जरूरी है या राष्ट्रनीति ज्यादा जरूरी है? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो फिर उनकी उनको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात सही है कि अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे हैं अलग अलग जगह। हमारे यहाँ दुविधा यह है कि राज्य में तो कांग्रेस की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो राजनीति निश्चित रूप से होगी और हो भी रही है, क्योंकि आप जब तक आज लास्ट स्टेज है, जब बंगाल का चुनाव आज हो रहा है लास्ट में, उससे पहले बाद में राजनीति नहीं हो रही, जिससे पहले राजनीति खूब हुई। और देखा आपने, जब सातवें चरण का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कोविड के अंदर समर्पण करते हुए कहा कि मैं बंगाल चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा बल्कि देश में जो संकट आया उसको देखूंगा और उसका समाधान करूंगा। उसका मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि बंगाल चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार का, और बंगाल आसाम और पांच राज्यों में जिस चुनाव हुए, जब कोरोना हमारे यहाँ चल रहा था उस वक्त हमको चिंता करने की जरूरत थी, चिंता नहीं की गई और हमने राजनीति की। और जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद ने सभा में जाके के कहा कि आज मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है, जिस प्रकार से आज भीड़ उमड़ी है, मैं कभी नहीं सोच सकता था बंगाल में मेरे लिए इतनी भीड़ आएगी। तो इसका निश्चित रूप से श्याम जी, देखिए गलतियां सभी से हुई है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो सामान्य देश की जनता हो, सभी से गलतियां हुई हैं। लेकिन अब हम इस गलती को कैसे पार करें और पार करके हम कैसे विजय की ओर अग्रसर हों? स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, आप कांग्रेस के समर्थक भी हैं, आप समाज सेवी भी, लगातार आम जनता से जुड़े रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय हमको मूल हमारा उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए? देखिये, बहुत ही अच्छे सारगर्भित हमारी ये बहस आपने विषय रखा है और इस पर बहस हो रही है बिना कोई राजनीति में लाए। मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज इस कोरोना से लड़ाई में हमें विजय पाने के लिए पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर के काम करना होगा और इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। बिना रणनीति बनाए किसी भी जंग को जीता नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इस वक्त सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए जो हमारे युवा हैं 18 से 45 वर्ष के बीच, जिनका सर्वाधिक फुटफॉल है, जो नौकरी करने जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, जो पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि यही युवा हैं जो सर्वाधिक बाहर निकल के कार्य करते हैं। इनको अगर हम वैक्सीनेट कर पाएंगे जल्द से जल्द तो ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, क्योंकि आज ये युवा निकलता है, संक्रमित भी सबसे ज्यादा हो रहा है, और अगर मान लीजिए आप कहते हैं मजबूत है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो भी इनके द्वारा ही आज अगर कोरोना इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
जितना तेजी से, चूंकि आज वैक्सीन हमारे पास है जो पहले नहीं थी, आज है हमारे पास हथियार है लड़ने के लिए, बचाव के उपाय हैं, अगर इस पर हम लड़ते हैं तो लड़ने में हमें सबसे अधिक अगर युवाओं को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे जितना जल्दी, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र इस कोरोना रूपी महामारी से निकल पाएगा, बच पाएगा और हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। तो हमारा तो सुझाव यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके वैक्सीनेट करें, सभी राज्यों को निर्देश दिए जाएं, केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है या निर्देश देने हैं, या देश के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा राय मशविरा करके सब स्टेट्स को गाइडलाइन दी जाए और इसी आधार पर यदि हम काम करते हैं तो हम सब मिलकर के एकजुट होकर के हम निश्चित रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि स्वर्णिम जी ने कहा कि सबसे पहले जो हमारे देश का भविष्य है, जो देश का युवा है, उसको हमें बचाना है, उसको हमें वैक्सीनेट करना है, उसको वैक्सीन लगानी है, लेकिन क्या वैक्सीन की उपलब्धता पूरी तरह से है या नहीं है, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या क्या मदद दे रही है, क्या राज्य सरकार उस मदद को किस तरह से ले रहा है, मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता रहता है। पहले मैं आपके स्टार्टिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा कि इस राष्ट्र नीति और राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। जी आलोक जी। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है आज जो विषय आपने रखा, सभी वक्ताओं ने भी कह दिया उस पर, और आपने खुद ने कहा कि राष्ट्र नीति और राजनीति इस शब्द के ऊपर बहस है सबसे बड़ी, तो अगर इनका ही जिस दिन लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा तो इस बहस का असली समाधान तभी हो पाएगा। ठीक है, राजनीति बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता, और ये भी सब मानते हैं राजनीति कर रहे हैं, श्याम जी ने कहा कि सब राजनीति तो होगी, तो राजनीति बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर राजनीति का मकसद, जो आलोचनाएं होती है उनका मकसद सिर्फ अगर टांग खिंचाई रह जाएगा तो वो अपनी प्रासंगिकता खोकर खींच से उपजा हुआ अनर्गल प्रलाप भर रह जाएगा, जबकि आज का समय जो है आपने जैसा कहा राजनीति का नहीं राष्ट्र नीति का समय है। ये जिम्मेदारी जो है आप, मेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, आरोप प्रत्यारोप बहस ये सब बाद में भी हो सकती है, पहली प्राथमिकता जान बचाना होना चाहिए। राजनीति की बिसात अभी क्या है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा दीपक जी, हालांकि मैं कहना चाहूँ हो सकता है कुछ नेता मेरी बात सुनेंगे उन्हें बुरा भी लग जाएगा, लेकिन इस कलयुग में जो राजनीति का अर्थ हो गया है ना आज, वो राजनीति की बिसात खोखले वायदों पर, राजनीति की बिसात खोखले वायदों पर जनता के अरमानों का कत्ल करके बिछाई जाती है, जिसमें सरकारों की तमाम विफलताएं चालाकी से छुपाई जाती है। कोई माने या नहीं माने, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई है, मेरे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है। और राष्ट्रनीति की हम बात कर रहे हैं, किताबों में जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रनीति की शालीनता आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करती है। एक बात और कहूंगा दीपक जी, कि राष्ट्र निर्माण अगर राष्ट्रनीति का अभिन्न अंग है, सब मानते हैं, नेता भी मानते होंगे इस बात को, कि राष्ट्र निर्माण अगर राष्ट्रनीति का अभिन्न अंग है, तो फिर एक बात कहूं, कोई माने या नहीं माने, कि जो आज की राजनीति हो रही है वो स्वयं निर्माण करता काला भुजंग है। इस काले भुजंग गिरी को अगर छोड़कर देश के जनता के लिए अगर सोचेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ये दोनों एक नहीं हो सकते, मान लो तो मतभेदों की तिलांजी देकर नेक नहीं हो सकते, तो फिर कुछ नहीं होगा। जिस दिन नियत साफ हो जाएगी ना, आप एक लाइन में कह रहा हूँ दीपक जी, आपने स्टार्टिंग कमेंट मांगे कि जिस दिन ये राजनेता इस देश के राष्ट्र नेता बन जाएंगे, जिस दिन राजनेता राष्ट्र नेता बन जाएंगे, आपस के फासले खत्म हो जाएंगे, तभी ही हम कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पा पाएंगे। अदरवाइज चलता रहेगा, कोई केंद्र पर आरोप लगाएगा, कोई राज्य पर आरोप लगाएगा, वैक्सीनेशन की बात करेंगे। बिल्कुल आलोक जी, आपका कहना सही है, और मैं श्याम जी आपकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि राजनेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो आखिर राजनीति कौन करेगा। लेकिन मेरा यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करे, उनका धर्म है, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि जिसका जो काम है वो काम करेगा। लेकिन इस राजनीति में जो आम जनता आपको वोट देकर एक सिंहासन देती है, जनता की सेवा के लिए 5 साल तक भेजती है, क्या वो जनता आज जानवरों की तरह डंडे हाँक कर उनकी जिंदगी को आपने तार तार कर दिया? आज हम चाहे पूरे देश की बात करें तो किसी भी अस्पताल में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं है, पूरी तरह से वहां पर वैक्सीन नहीं है, और यहाँ तक दवाओं के नाम पर भी नहीं है। आपको खुद को पता, दीपक जी आपने खुद ने महसूस किया। मैं श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की राजनीति किस काम की, कि जिन लोगों ने, जिस आम जनता ने आपको बनाया, आप उसी आम जनता को खत्म करने में लगे हुए हैं, आप उसी जनता की आज सुन नहीं रहे। देखिए दीपक जी, जो स्थिति है निश्चित रूप से देश विकट समस्या और समाधान के ऊपर बात करनी चाहिए। ये बात सही है कि केवल सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ करके हम सब आम नागरिक के कह दें कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज हमारी बनती है कि हम अपने बिना काम के बाहर ना निकलें, गाइडलाइन की अनुपालना करें तो हम अपना बचाव करेंगे तो देश का बचाव होगा। हो क्या रहा है कि हम
बेपरवाह हो गए, ये सोच लिया कि कोरोना तो रहा ही नहीं। ये बेपरवाह वाली चीज जो हो रही है, ये घटना देखिएगा कि हम महाराष्ट्र में देख चुके, मध्य प्रदेश में देख चुके, गुजरात में देख चुके, अब राजस्थान के हालात जिस प्रकार के बन रहे हैं, अभी हालात और बिगड़ेंगे। मैं मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से हमने, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ श्याम जी आपसे, मैं सहमत हूँ श्याम जी, आलोक जी जरा सुन लीजिए। नहीं, लेकिन हमको सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपने तरीके से निभाती है, लेकिन जिस प्रकार की नीति, एक नीति के अनुसार चलना चाहिए देश, वो अनुसार नहीं चल रहा। भाजपा अपने राज्यों को निश्चित रूप से समर्थन देने का काम करेगी, क्योंकि उन लोगों को सरकार बनाने में उनका सहयोग मिला है, तो वहां ज्यादा देकर के कहने का प्रयास करेगी कि हम देखिएगा सरकार हमारी है। तो देखिए राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है, यही हाई कोर्ट में। श्याम जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार एक बात को कहेंगे, ये उम्मीद नहीं थी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी राजनीति में हो जाएंगे। आप सुनिए सही, मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट में 30 तारीख को सुनवाई है, हम बुधवार को हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस दिया है और कहा है। आप देखिएगा जब आप गुजरात में कितना इंजेक्शन देते, कितना ऑक्सीजन देते, राजस्थान को नहीं देते, क्यों नहीं देते? उसका कारण साफ साफ है, क्योंकि पार्टी यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। श्याम जी एक मिनट, मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, एक लाइन आप बोल लेना, एक लाइन आपसे जुड़ी हुई बात है। सुनिए आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलना आराम से। जब मेरा आप जब आप बोलने लगेंगे मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनिएगा। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है। केजरीवाल के बारे में जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, आपको मालूम है 2500 इंजेक्शन थे उसके पास, 25,000 से ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं। आप आखिर नीति को एकता के रूप में बांधना पड़ेगा। ये आपको ये देखा रहा, जहां पर अधिक प्रभावित लोग हैं वहां अधिक देने चाहिए सहयोग। आपने ऑक्सीजन का हमको दे दिया कि आपको अलॉट कर दी गई, लाने का साधन ही नहीं है, उसको अलॉट की भी हमारे काम में किस आएगी? लोग निश्चित रूप से मर रहे हैं इसलिए कि हम अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए। बिल्कुल स्वर्णिम जी के पास मैं आना चाहूंगा। श्याम जी आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जिस तरह जब पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब राजस्थान सरकार की देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी, हम बात कर रहे थे भीलवाड़ा मॉडल की हो चाहे रामगंज मॉडल की हो, लेकिन जब उस समय तो हमारे पास कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, कुछ हमारे पास वैक्सीन की सुविधा भी नहीं थी, दूसरी सुविधाएं भी नहीं थी, पीपी किट तक नहीं थे। लेकिन जब एक साल हो गया तब हमारे पास सारी सुविधा भी है, हमको किस तरह से लड़ना है, एक हमें कहीं ना कहीं एक लक्ष्य भी दिख गया था कि हमको इस कोरोना से किस तरह लड़ना है। बावजूद इसके आज जो राजस्थान में स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, आप खुद देख रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है। तो अब राजस्थान सरकार इसको किस तरह से निपटेगी, जिससे कि आम जनता जिसने आपकी सरकार को बनाया है वो कहां जाए, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। आज उसको एक वैक्सीन तक नहीं मिल रही है, आज उसको ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है। स्वर्णिम जी देखिए, दीपक जी बिल्कुल सही बात है। हमने आप अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान के एसएमएस अस्पताल ने ही क्या इलाज का प्रोटोकॉल होना चाहिए, किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहले ये दिशा तय की थी और जिसको पूरे विश्व ने उसके बाद आज तक अपनाया, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, हाइपोक्लोरोक्विन हो, चाहे और दवाइयां हो, तो वो सब चीजें जो हमने प्रोटोकॉल बनाया उसी के अनुसार बनी। हमारे साधुवाद के पात्र हमारे जो डॉक्टर्स हैं एसएमएस। लेकिन स्वर्णिम जी आज वो स्थिति कहाँ है, आज वो मॉडल कहाँ पर है? कह रहा हूँ आज स्थिति ये हुई कि देखिए ये एक राष्ट्रव्यापी महामारी है, ये राजस्थान प्रदेश से तो शुरू ही नहीं है और जो होगी अगर देश में तो सारे प्रदेश उससे कोई भी अछूता रह नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश में ये डावोस का सम्मेलन था, अगर आपको उनका भाषण याद हो, तो उन्होंने कहा था कि हम तो ये जंग जीत चुके। हमारे हर्षवर्धन जी जो हम केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, उन्होंने 7 मार्च को स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज द एंड गेम ऑफ द पेंडेमिक। तो ये सारी चीजें जब हुई, ये क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्यों उनके क्या विचार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमें तैयारियां रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमें सारे विशेषज्ञ सुझा रहे थे और बता रहे थे कि हमारी स्थिति हिंदुस्तान में क्या हो सकती है, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो सेकंड वेव सब जगह आई। और बड़े दुर्भाग्य का विषय, जब हमारा फ्लैट कर्व हो रहा था तो हमने वैक्सीनेशन अपने देश में करने की बजाय विदेशों को भी हमने सप्लाई किए वैक्सीन, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने युवाओं को, अपने लोगों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट नहीं कर पाए, या जितनी संख्या में करने चाहिए तो नहीं कर पाए। बिल्कुल इसी पे आ रहा हूं मैं दीपक जी। क्या हुआ कि जब ये सारी स्थितियां बिगड़ने लगी तो सारी की सारी व्यवस्था केंद्र की थी, आपको ध्यान होगा वैक्सीन जो है केंद्र सरकार द्वारा अलॉट की जानी है,
ऑक्सीजन केंद्र सरकार द्वारा अलॉट की जानी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य जीवन रक्षक दवाइयां हो, वो केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब चले गए, उनका क्या होगा? अभी अभी उनका भी बता देता हूँ, आप सुन तो लो, बता दें, सुनो आप, फिर आप मेरे को जवाब देना। मैं अभी राजनीतिक अगर बात करूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे लोग जी। देखो स्वर्णिम जी, मैंने फिर कहा कि राजनीति और राजनीति आपने ही शुरू करी, आपने कहा कि साहब ये प्रधानमंत्री जब इंजेक्शन जो है केंद्र सरकार ने 6 महीने में विदेशों को सप्लाई किए, 7 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेजी, मैं तो ये कह रहा हूं, चलो ठीक है, 9,300 मेट्रिक टन जो है ऑक्सीजन भेजी और आज वापस खरीद रहे, क्यों ये बताइए। जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने, सुनिए, देखिए बचाने का, बताएंगे आपने कहा मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसने क्यों नहीं लगाया 8 महीने तक, तो ये सारी चीजों के जवाब मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जनता को पता है, फिर भी सुनिए। और जब ये केंद्रीय की व्यवस्था थी और हमको ये कहा गया, केंद्र ने क्यों भेजा, ठीक है लालू जी बात सुनिए, मेरे से ये पूछा गया कि राजस्थान सरकार की क्या तैयारी है, इस पर मैं जवाब देता हूँ। आप अपने इन बातों का जवाब आप देना, फिर अगर जरूरत हो तो जनता को देना, नहीं देना कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए आप जवाब देना, आप हम पे आरोप लगाना है जितने लगाने हो, मैं तो लगाना नहीं चाह रहा था, दीपक जी सुने, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन अब जब बात ऐसी उठी तो ये हुई। अब मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, जब केंद्रीकृत व्यवस्था थी तो राज्यों को ये टास्क दिया गया कि आप अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और हम वहां से सप्लाई करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज हुआ यह है कि अब यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंप दी गई है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, मान लीजिए अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर तो वहां से ही आएगा, लेकिन वैक्सीन हमें उपलब्ध होगी, हमने खरीदने का ऑर्डर दे दिया, हम वैक्सीनेट करेंगे, मुफ्त में वैक्सीनेट करेंगे सारे युवाओं को, जितनी वैक्सीन लगेगी राजस्थान में हमारे द्वारा में लगेगी। आपकी सरकार कब तक वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि बिल्कुल 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 इसी पर हूं दीपक जी, बिल्कुल। अब ये हमने ऑर्डर दे दिया, हमने पैसे भेज दिए, अभी हमें ये सूचना मिली है कि 15 मई तक जो है, जो अभी हो सकता है ये बदल जाए क्योंकि हमने मांग की है, ये आ गया दीपक जी, देखो हो सकता है ये बदल जाए, बस एक से इस हो सकता है शब्द के अंदर ही सारी समस्या है। आपकी समस्या यह है कि आप सुनना नहीं चाहते, हमें ये कहा गया है वैक्सीन निर्माता ने, क्योंकि वैक्सीन निर्माण ना तो केंद्र सरकार कर रही है ना हम कर रहे हैं, ये वैक्सीन निर्माता जो है उन्होंने कहा कि 15 मई तक आपको सप्लाई देंगे और 15 मई तक सप्लाई हम दे सकते हैं, क्योंकि उससे पहले की जो हमें 15 मई तक हमें केंद्र सरकार को आपूर्ति करनी है, तो ठीक है अब हमें पहले हो जाएगी, अब उस 15 मई तक हो जाएगी, जो भी होगी हम वैक्सीनेट करेंगे, हमारा प्रोग्राम अनवरत रहेगा, 1 महीने में हम 3.5 करोड़ युवाओं को वैक्सीनेट कर देंगे, और हमारा ये मानना है कि इस कार्यक्रम के तहत आप वादा कर रहे हैं 1 महीने में कर देंगे, 1 महीने का आप कह रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कांग्रेस के बयान पर, 1 महीने में कर देंगे, इसको लेकर चल रहे हैं, एक अनुमानित बिल्कुल दीपक जी कर देंगे, बिल्कुल हमारे पास वैक्सीन अगर आज आ जाए, 1 तारीख से शुरू कराइए, 30 तारीख तक वैक्सीनेट कर देंगे, हमें वैक्सीन मिलनी चाहिए, हमें वैक्सीन मिली, हमारे पास आज भी कैपेसिटी है, हम 10 लाख वैक्सीन रोज लगा सकते हैं, पर हमारे पास ये भी तैयारी है कि हम स्कूल कॉलेज और घर घर जाके भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये भी हमारी तैयारी है। दूसरी चीज, हमने प्रबंधन किया है यहाँ पे, सारे जो सरकारी अफसर हैं, जितने भी प्रबंधक हैं, उन सबको ऑक्सीजन का हो चाहे इंजेक्शन का हो चाहे हॉस्पिटल का हो, हमने हॉस्पिटल बेड्स तैयार कर लिए, बेड्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है, संसाधन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन हमें केंद्र से मिलनी है, जो मिलनी है वो सबको पता है, और हम किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं देंगे, हमने पहले भी प्रबंधन किया और उनमें जो व्यवस्थाएं हैं अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे, राजस्थान में बहुत बेहतरीन प्रबंधन है, संसाधन की अगर कमी है तो हमारे कारण नहीं है। इस बारे में मैं श्याम जी से पूछ लेता हूँ, श्याम जी जैसा कि स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था इनके पास है, आपको क्या लगता है? देखिए निष्पक्ष राय देंगे दीपक गोस्वामी जी, ये बात 100% सही है कि हम जिस तरह से तैयारी की जानी चाहिए नहीं कर पाए, हमने सोचा चला गया कोरोना गया नहीं, मुख्यमंत्री श्याम जी ने बात सुनिए तो जी, प्रधानमंत्री जी ने कही भैया कोरोना गया, हम कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए, देखिएगा हमारे को ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, 4 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए केंद्र ने पैसा दिया, नहीं लगा, नहीं केंद्र ने शाम को पैसा नहीं दिया, मैं आपसे करेक्ट करना चाहता हूँ, आप 30 सेकंड में सुने,
केंद्र सरकार के सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट को पीएम केयर्स फंड ने पैसा दिया, उन्हीं ने टेंडर किया, हमने नहीं किया, हमें केवल शेड लगाना था जो हमने बना दिए हैं, वो इंस्टॉलेशन केंद्र सरकार के विभाग को करना है, हमें नहीं, इसीलिए केंद्र सरकार ने आज इस गति दी है, हमारे ऊपर नहीं है ये। आप इस बात को उठाए, कोई नहीं बोलता ना इस बात को, क्यों नहीं उठाता? अरे कहीं भी पढ़ लो भैया, हमने तो चिट्ठियां लिख दी, उठा रहे हैं, सबको पता है। चिट्ठियों में खेल हो रहा है आपका, कोरोना से जनता की जान जा रही है। श्याम जी आप अपनी बात रखिए, श्याम जी को बोलिएगा। देखिएगा जो हालात राजस्थान के बने हुए हैं उसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम दवाइयों की बात करते थे, बहुत सारी निरोगी राजस्थान की बात करते थे, आज हम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ये दुविधा है। आप देखिएगा इसमें बीमारी में बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं चाहिए, ऑक्सीजन लोगों को मिल जाएगी तो हम काफी लोगों को बचा पाएंगे। इसलिए आज देखिए मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र है जोधपुर, उसकी हालात कितने खराब है आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के घर तक में कोरोना आ चुका है। अरे वो तो मुख्यमंत्री जी के घर के अंदर आ चुका है। वो तो कोई किसी को कह के नहीं आता, मुख्यमंत्री और किसी को भी, वो तो दोनों ही पति पत्नी दोनों ही पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं इसकी तारीफ तो करनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। सम्मान करता हूं मुख्यमंत्री का, सम्मान है। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, उन्होंने 3 मंत्रियों को भेजा वहां पर, दिल्ली भेजा ना व्यवस्थाओं में, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक ढांचा व्यवस्था है, अधिकारियों का जो नीतिक मोरल होना चाहिए वो जितना बूस्ट होना चाहिए वो नहीं है। ये स्थिति इसलिए है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो दिल्ली चले गए, हमारे यहाँ कैपेबल अधिकारी मौजूद नहीं है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। केंद्र से हमारा तालमेल होना चाहिए, नहीं है। जो सीनियर अधिकारी चले गए वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया, हम राजस्थान को सहयोग नहीं करेंगे। पहले ही इस प्रवृत्ति की नहीं हुआ करती थी बातें, हमारे पास 3 केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास हैं, आप देखिएगा उसके बाद हमने ओम माथुर हमारे पास हैं, भूपेंद्र यादव हमारे पास हैं, बड़े बड़े नेता हमने यहाँ से निर्वाचित किए राजस्थान का प्रतिनिधित्व। आपकी बात को रोकना चाहूंगा और मैं आलोक जी से इस बात पर सवाल करना चाहूंगा कि जब 3 केंद्रीय मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, जब माथुर साहब हमारे राजस्थान में बैठे हुए, राजस्थान के वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक बड़े औहदे को लेकर बैठे हुए हैं, 25 के 25 हमारे जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, तो फिर आखिर केंद्र राजस्थान को मदद करने में अपने हाथ और अपने कदम पीछे क्यों ले रही है? आलोक जी सवाल का जवाब दीजिए। दीपक जी पहली बात तो ये जो अवधारणा बना दी गई है ना कि केंद्र राजस्थान की मदद करना नहीं चाहता, इस अवधारणा को ये ना मैंने फिर कहा राजनीति और राष्ट्रनीति में यही तो समस्या है। आपको बताऊंगा, आप बताइए, ये कहते हैं हमें 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, आप ये देख लीजिए कि डिटेल भी मैं आपको पूरी चाहिए तो बता दूंगा कि कितनी मेट्रिक टन को ऑक्सीजन मिल चुकी है, उसका पूरा डाटा केंद्र से जो है ना तारीख वाइज डाटा तक उपलब्ध है ना। उसके अलावा ये बात करते हैं ऑक्सीजन, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की श्याम जी ने बात करी, आप देखें राजस्थान से भाई गुजरात को ज्यादा दी जा रही है, लेकिन गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, निजी हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन कितने बीमार कितने हैं आलोक जी, राजस्थान में कितने पीड़ित हैं और गुजरात में कितने पीड़ित हैं ये बता दो। और राजस्थान के प्लांट से क्या केंद्र सरकार द्वारा अन्य स्टेट्स को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, वही प्लांट से, ये भी बता दो। कितने अस्पतालों में आपने ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा रखी है, बता दें। अरे पाइपलाइन हमको सिलेंडर से सप्लाई कर देंगे आप, तो हमारे ऑक्सीजन प्लांट से क्यों केंद्र सरकार द्वारा ली जा रही ऑक्सीजन, ये बता दो। मैंने आपसे क्या कहा, राजनीति कोई सी भी पार्टी हो, मैं राजनीति तो आप कर रहे हो भाई, जितने हमारे यहाँ पीड़ित हैं उतने हमारे को उसके एक तिहाई ऑक्सीजन नहीं दे रहे, एक तिहाई इंजेक्शन नहीं दे रहे, ये सारी चीजें अगर दूर हो जाए तो सारी समस्या ही दूर हो जाए। आप ये कहना चाहते हो कि नेता जनता को मरवाना चाहते हैं, सर हमारी बिल्कुल, आपके अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो सकता है, दिल्ली के सांसद के यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन हो सकता है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए 3.5 करोड़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन जा सकते हो, सरकारों को नहीं दे तो भैया इसमें राजनीति आप ही करते रहे हो, हम इस पर क्या प्रश्न उठाएंगे? हम बिल्कुल प्रश्न उठाएंगे। देखिए आपने कहा ना दिल्ली के सांसद के रेमडेसिविर इंजेक्शन हो सकते हैं, उसने खुद ने कहा है अपने फेसबुक पोस्ट पर, ट्विटर पर कि मेरे यहाँ से ये इंजेक्शन ले जाओ, और देवेंद्र फडणवीस क्या खुद मिले, और ये पत्रकारों ने उठाया है, मीडिया ने उठाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन के फोटो पोस्ट किए उन्होंने खुद ने, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में, तो हम क्या राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीति तो वहां हो रही है,
आलोक जी आप बता दीजिए, राजस्थान में बीजेपी के जो सांसद हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं वो राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं, आप इतना बता दीजिए, ये आम जनता जानना चाहती है। हाँ तो आप देखिए ना दीपक जी क्या नहीं रहा, केंद्र के जो मंत्री हैं राजस्थान के सारी चीजें राजस्थान की उन्होंने हर बार सरकार के समक्ष रख रहे हैं, ले जाके केंद्रीय मंत्रियों से भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से भी बात कर रहे हैं, अर्जुन मेघवाल जी ने कल पूरा विवरण दिया ही है, आपने सबने अगर देखा होगा कि कितने ऑक्सीजन मेट्रिक टन दी गई है, देखिए वो 80 की यहाँ पे घोषणा हो जाती है लेकिन एक्चुअल का डाटा फिगर सारा मौजूद है। रेमडेसिविर का 26,000 का कोटा है राजस्थान का था तो उसको बढ़ा के 67,000 का करवाया, इन्हीं राजस्थान के लोगों ने ही करवाया, ऐसा कुछ नहीं तो भैया गुजरात को 1,93,000 क्यों है ये बता दो। यार देखो आप ये जो कम ना कोटा न तो स्वर्णिम चतुर्वेदी डिसाइड करता है, गुजरात का 1,93,000 क्यों है, वहां पे कमेटी नहीं है राजस्थान के, कोई केवल नेता नहीं है, देश के कुछ प्रबुद्ध जो डॉक्टर है चिकित्सक है बैठ के जो कब जाओ वो कमेटी जब तय करती है। अब आप बदलो तो आप तो ये बात जा रहे हो, आप राजस्थान को अलग मानते हो गुजरात को अलग मानते हो, आप देश विभाजन कर रहे हो, तो कांग्रेस की नीति शुरू से ये देश विभाजन तो आप कर रहे हो, कि गुजरात में जितने पीड़ित नहीं है उससे दुगने इंजेक्शन भेज रहे हो और राजस्थान में जितने पीड़ित है उसके एक तिहाई भेज रहे हो, अरे ये कैसी राजनीति है ये, आपको जब जवाब देना जब जनता पूछेगी सारे सांसद आपके सांसद पता कौन है, आपके सांसद जो केंद्रीय मंत्री है ना तीन उनमें से एक जाते हैं जोधपुर में कहते हैं नारियल फोड़ो, एक पापड़ खिलाने वाले हैं अच्छा, पर एक आए की बात नहीं करते, नारियल फोड़ो में आप आ गए, नारियल फोड़ो में क्या उन्होंने कहा कौन है आप नहीं करते क्या, आप खुद माता केला की पूजा रोज नहीं करते, करते हो नहीं करते, आप करते हो मैं करता हूँ सब करते हैं, कौन अपने देवता को इंजेक्शन मांगने कोई आए उसको कहोगे कि नारियल फोड़ो, वाह वाह नहीं कहा था, अच्छी बात है उसको, सिर्फ उसको ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन मांगे नारियल फोड़ो, उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी काम कर रहे हैं और प्रभु भी काम करेगा तो दोनों है, भगवान जब डॉक्टर भगवान का दर्जा क्यों देता है आपको, देखिए और आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, ये चाहता हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बेहतर काम किया है वो अपनी तरफ से खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार मीटिंग भी लेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि लगातार जो रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं सरकार ने अब तक पिछले 15 दिनों में करीब 3 से 4 ये आदेश जारी कर दिए हैं और उनमें वाकायदा नंबर तक दिए हैं अधिकारियों के कि ये मोबाइल नंबर है ये अधिकारी का नाम है और इस मेल आईडी पे अगर आप मेल करेंगे तो आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा। लेकिन स्वर्णिम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वही स्वर्णिम जी से पूछना चाह रहा हूं कि स्वर्णिम जी वो आपने आदेश तो जारी कर दिए सरकार ने, लेकिन यहाँ पर जो सीएमएचओ फर्स्ट जो सेठी कॉलोनी में है या जो स्वास्थ्य भवन है या जहां पर आपने मेल आईडी दी है वहां पर आज भी हजारों लोग खड़े हुए हैं और मेरे खुद के जो रिलेटिव है उनके पास 4 दिन पहले उन्होंने जब मेल किया तब उनके पास मैसेज आया कि आपका नाम नंबर 70वां है और कल शाम 7:30 बजे तक वो नंबर 70 में ही अटका रहा, यानी कि पिछले 4 दिन ये क्या है रेमडेसिविर नहीं दिया गया है, तो आखिर सरकार आदेश जारी कर देती है लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है वो दे नहीं पा रहे तो फिर इस तरह के आदेश क्यों जारी करती है। वहां पर सेठी कॉलोनी का जो सीएमएच ऑफिस है वहां पर इतनी भीड़ है कि वहां पर जो परिजन खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं कोविड ना हो जाए, ये बात का ज्यादा भय है। देखिए दीपक जी मैं आपकी बात का बिल्कुल स्वर्णिम जी बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ, इसमें जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि सरकार द्वारा अस्पतालों को आवंटित किया जाएगा अस्पताल के, लेकिन सर अस्पताल ने भी मेल कर दिया, अस्पताल ने भी मेल कर दिया, मैं आपको मैं सुनिए सुनिए मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो सीमित संसाधन है उसमें एवेल्युएट करके कि किसको तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी को इंफेक्शन हो अप्रोच उसे रेवोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, अप्रोच व्यवस्था क्या क्राइटेरिया, अप्रोच तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगा दो आप, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से ले लो या वो दिल्ली के सांसद दे देंगे वाई अप्रोच होती है, आम जनता ये जानना चाहती है, इसी पर हूँ मेरी बात सुनिए दीपक जी, उनको रेमडेसिविर कहाँ से मिलेगा, बीजेपी के कार्यालय से मिलेगा या कांग्रेस के किसी वीआईपी आदमी के या नेता के पास से मिलेगा, जनता ये जानना चाहती है सर। बिल्कुल दीपक जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, आपने ये अपनाया आपको पता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी उपलब्धता है क्योंकि उपलब्धता हमारे जितने पेशेंट है उसका एक तिहाई आए हैं उतने ही दिए गए हमें, लेकिन उसमें सबसे पहले ही फिर हमें ये प्रायोरिटी करनी पड़ेगी जो डॉक्टर्स और चिकित्सक मिलकर के एक कमेटी है वो एवेलेट करते हैं कि किसको सबसे अधिक तुरंत जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्शन होने के 3 दिन तक कारगर है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें 3 या 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ये पानी है ये किसी काम का नहीं है मरीज के लिए, लेकिन चूंकि अब
लोग मांग रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो इसमें यह करा जाता है कि हॉस्पिटल्स द्वारा रिक्विजिशन दिए जाने पर उसको एवेल्युएट किया जाता है कि कहां तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि सीमित संसाधन है, वहां पे पहले दिया जाता है जहां पे तुरंत जी, आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको तो फर्जी रिपोर्टें बन रही हैं हॉस्पिटल का, मैं लेकर रिपोर्टें फर्जी कोरोना की रिपोर्टों में कमाई हो रही है, उस पर क्या हो रहा है? फर्जी कोरोना की जो रिपोर्ट कमाई कर रहा है वो जेल के सीखों के बीच में, फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लगेगा वो जेल के सीखों के बीच में, जो ब्लैक करने की कोशिश करेगा और वो जेल के सीखों के पीछे है, ये काम हमारा है, ये सरकार कर रही है। लेकिन आप सबसे पहले ये जवाब दो केंद्र सरकार से, क्या आपकी पार्टी ने एक भी आदमी ने एक भी सांसद ने ये मांग की हमारे यहाँ जितने मरीज है कम से कम उतने इंजेक्शन तो भेज दो? अगर गुजरात में मरीजों से दुगने इंजेक्शन भेजे जा सकते हैं तो हमारे यहाँ पे उतने तो भेजो, मंगवा लो, इतनी तो मांग आप कर सकते हो। एक आदमी ने मांग की, एक नेता ने मांग की, एक तिहाई इंजेक्शन आएंगे तो वो इंजेक्शन टूट के तो बटेगा नहीं, वो बटेगा प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि राजस्थान की जनता का भला हो तो कम से कम आपके 25 सांसद की मांग तो कर सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, सब कुछ है, एक नाथी के बाड़े की बात करने वाले थे, वो खुद ही कुदरत ने नाथी का बाड़ा बना दिया अपने आप ही जाके। ऐसा है कि ये इन्फेक्शन तो आलोक जी किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तो मुख्यमंत्री खुद रूबरू होकर के प्रधानमंत्री जी से इंजेक्शन और ऑक्सीजन मांग रहे, हमारे तीन मंत्री जो है वरिष्ठ वो गए मांगने, लेकिन आपके यहाँ से तो कोई एक सांसद, एक विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी ने ये कहा आज तक कि राजस्थान को, राजस्थान के मरीजों के लिए जितनी उनकी संख्या है उस हिसाब से जीवन रक्षक इंजेक्शन दें? किसी ने कहा? बीजेपी की ने कहा? किसी ने कहा? नहीं कहा? अरे स्वर्णिम जी पैसे की बात करते हो तो आपको मैंने शुरू में भी कही थी ना बात, दोबारा मैंने पैसे की बात ही नहीं करी, मैंने कहा आपके किसी सांसद ने, विधायक ने, मंत्री ने राजस्थान के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन के लिए सरकार से मांग की क्या? आज तक अगर की हो तो वो समय और तारीख बता दो और किसने की है ये बता दो। सुनो मैं बता रहा हूँ, और हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे हमारे लोगों के लिए, हम लड़ेंगे पर बार बार जाएंगे, 10 बार दिल्ली जाना होगा, हमारे मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने बार बार बात की प्रधानमंत्री जी से, फिर करेंगे, हमें अपने लोगों को बचाना है। और दीपक जी आपने जो बताई बात आपने सही बताई, इंजेक्शन की कमी है, कमी है राजस्थान में, क्योंकि केंद्र सरकार की व्यवस्था इस मैनेजमेंट के लिए हमें नहीं मिल रहे। आप, मैं स्वर्णिम जी आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने ये कहा कि हॉस्पिटल जो है वो रिकमेंड करेंगे सीएमएचओ को, तब उसके बाद उनको वो रेमडेसिविर मिलेगी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल ने जो रिकमेंडेशन भेजी है सीएमएचओ को, जो आपने मेल आईडी दिया था उस पर भी भेजे हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहां पर रेमडेसिविर नहीं मिली है। तो आप ये बताएं कि आम जो जनता, तो छोड़िए हॉस्पिटल के जो लोग हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं, वो अगर सरकार से दरख्वास्त नहीं करेंगे और उनके बाद भी उनको नहीं मिलेगा तो उस मरीज की क्या हालत होगी जिसको 4 दिन पहले इंजेक्शन की जरूरत थी और आज उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस 4 दिनों में आप सोच सकते हैं कि उस मरीज की क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट में सुधार करना पड़ेगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी स्वर्णिम जी। देखिये दीपक जी आपकी बात बिल्कुल शिरोधार्य है, मैं ये मानता हूँ कि कहीं कमी हो सकती है, कमी क्योंकि इंजेक्शन की भी है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हाँ हमारे पास है कमी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, केंद्र सरकार जितने देगी उतने ही मिलेंगे, हो सकता है खत्म ही हो जाए, ये भी हो सकता है केंद्र सरकार ना दे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगों को बचाने के लिए जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए हमें मांगने जाना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, जो भी करना पड़े, हम अपने लोगों को कहीं भी परेशान नहीं होने देंगे। अगर कोई कमी है आई होगी हम उसको सुधारेंगे, निश्चित रूप से सुधारेंगे, लेकिन एक फर्ज हमारे विपक्षी दल का जो केंद्र में सत्ता में इनका भी है, कम से कम इतनी मदद तो कर सकते हैं, इनके 25 सांसद चुन के गए, अगर नहीं करना चाहे तो भी हम लड़ेंगे, हम चाहे अकेले हमें छोड़ दें प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी घर में बैठ जाए, लेकिन हम करेंगे। और ये जो आप बता रहे हो जितनी कमियां हैं, आम जनता के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आम जनता के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जनता ही है जो आपको उस पद तक पहुंचाती है। श्याम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि अभी स्वर्णिम जी ने भी कहा और आलोक जी के भी विचार आपने सुने, क्योंकि दोनों की खींच खिंचाई के अंदर जो आम जनता है वो पिस रही है, वो सैंडविच की तरह बीच में फंस चुकी है। तो आप बताइए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो राजस्थान में स्थिति है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, गवर्नमेंट जो है, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, बावजूद इसके
आम जनता तक वो सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इस पर कहां आप कमी देखते हैं, ताकि आप इस हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाएं। आम जनता की बात जो है वो आपके और हमारे माध्यम से ही सरकार तक जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि आप वो स्थितियां बताएं जिससे कि आम जनता को लाभ मिल पाए। दीपक जी, ये बात सही है कि मरीज ज्यादा है, दवाइयां कम है, और केंद्र सरकार जिस तरह से सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर पा रहा। हमारे सांसद जिस प्रकार से मांग उठाई जानी चाहिए नहीं उठा पा रहे, लेकिन हमने कांग्रेस के भी जो राज्यसभा के सदस्य भेजे हैं 3, जिसमें 2 तो बहुत प्रभावशाली हैं, वो भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं वहां पर। कांग्रेस के देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री जो कि कोरोना पीड़ित हैं, निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी अगर वो पत्र लिखते हैं तो राजस्थान के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री को कहेंगे तो प्रधानमंत्री बात मानेंगे। केसी वेणुगोपाल भी बड़े पावरफुल हैं, ये दोनों नेता और तीसरे तो हमारे यहाँ के खुद के हैं, वो तो ज्यादा पावरफुल है। श्याम जी, यहाँ तो सभी लोग अपने अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं, चाहे बीजेपी तो हो या कांग्रेस। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। लेकिन गोस्वामी जी, क्योंकि ये दो बड़े नेता तो किसी आकाओं को खुश करने की बात ही नहीं है, ये तो खुद अपने आप में आका है, इसलिए निश्चित रूप से वहां पर मिल करके जो बातचीत होनी चाहिए, जिस प्रकार का सिलसिला होना चाहिए, अब शुरू हुआ है। पहले चिट्ठी लिखी जा रही थी, अब व्यक्तिगत रूप से फोन से या लोगों को भेज करके हमने अपना ध्यान आकर्षित किया है कि राजस्थान के हालात आने वाले समय में बिगड़ेंगे। अभी हालात नहीं बिगड़े हैं, मैं तो भगवान से मानता हूं कि हमारा राजस्थान पीड़ित नहीं हो और अधिक, क्योंकि आने वाला समय और पीड़ा देने वाला होगा, इसलिए हमको और सतर्क होने की जरूरत है। अब 33,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखे थे, वैक्सीन का रेट निर्धारित अब हो रहा है, पहले 400 रुपए कर दिया, अब 300 रुपए कर रहे हैं, तो हमको जो केंद्र को जो वैक्सीन मिल रही है उसी कीमत पर राज्यों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उसके बाद तय होगी। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी को भी राजनीति घोषित करनी चाहिए। यहाँ पर दो तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि केंद्र को तो दे दो इतने में और राज्य को दे दो इतने में। राज्य भी आप ही के हैं, केंद्र सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को आगे चला करके मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाते हुए उनसे सहमति लेते हुए एक रेट तय करनी चाहिए कि केंद्र को भी इस भाव में मिलेगी, राज्यों को भी इस भाव में मिलेगी, तो निश्चित रूप से भेदभाव समाप्त हो जाएगा, तो हम महामारी से जो दूसरी लहर आई है उससे निश्चित से निजात पा पाएंगे, पहली से पा पाए और पता नहीं तीसरी नहीं आ जाए। ये हमको बहुत अब कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे, हमको हेल्थ का स्ट्रक्चर बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। अमेरिका जैसा नहीं बना पाएंगे, बाकी जगह नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम अपने देश के अनुरूप लोगों को ऑक्सीजन दे पाए या छोटी चीजें जो देनी चाहिए वो दे पाए। आज अगर हम बीलवा में तैयारी कर रहे, 1 महीने पहले तैयारी की जा सकती थी, कि तैयारी करने में राजस्थान सरकार भी पिछड़ गई तो केंद्र सरकार भी पिछड़ गई, दोनों को ही समय रहते हुए जो ध्यान देना चाहिए था नहीं दे पाए। अधिकारियों को बुश करने की जरूरत है, हमारे जनप्रतिनिधियों को सहयोग की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष नहीं मान करके सहयोगी मान करके अगर सहयोग लेंगे तो होने वाला समय में हम राजनीति नहीं करें। हमारे लोगों को किस प्रकार से इलाज मिले इस पर हमको रणनीति तैयार करनी चाहिए, मिलजुल करके हम कैसे केंद्र और राज्य सरकार समन्वय कैसे बनाए इस पर अब सोचने की जरूरत है। राजनीति नहीं करें, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इस बीमारी से कैसे हम निजात पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति नहीं करते हुए हमें राष्ट्र नीति बनानी पड़ेगी, सभी राष्ट्र के लिए एक ही नीति बनानी पड़ेगी, समानता का जो अधिकार है उसको हमको वापस लेकर आना पड़ेगा कि सभी लोग समान रूप से काम करें, सभी को समान रूप से सहयोग दिया जाए। लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल ये है, जो मैं श्याम जी आपसे शुरू करना चाहूंगा, फिर स्वर्णिम जी के पास और फिर आलोक जी के पास आऊंगा, क्या आपको लगता है कि जो हमारे समानता का अधिकार है उसका पूरी तरह से उपयोग हो पा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर VIP कल्चर अलग है? जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े VIP लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उनमें क्या आपको नहीं लगता कि भेदभाव की स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है? श्याम जी, देखिए गोस्वामी जी, निश्चित रूप से राजस्थान या देश में राजनेताओं को इलाज जिस तरह से मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है और बेहतर तरीके से मिल रहा है, आम जनता को उसका उपयोग। आप राजस्थान का RUHS में देख लीजिए, 8वीं नंबर की मंजिल की जो बिल्डिंग है उसमें किस तरह का इलाज मिल रहा है और नीचे वाली बिल्डिंग में कैसे मिल रहा है। इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। मानवता में किस प्रकार से, पैसे वाला तो इलाज ले लेगा, गरीब को इलाज कैसे मिले, या गरीब जनता को इलाज देने की व्यवस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन इस बीमारी से निजात पाएंगे। पैसे वाला तो इलाज कराएगा भी, ठीक भी होगा और आराम से भी रहेगा। जिसको जरूरत नहीं है उसको ऑक्सीजन मिल रही है, आप दिल्ली में बहुत सारी जगह मिली है देखने को,
ये 1,000 रुपए उस मजदूर को दिया जा रहा, पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, और पैसे वाला आ रहा है तो उसको नेगेटिव दिखा करके उसको भर्ती किया जा रहा है। तो ये भेदभाव निश्चित रूप से जो प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं उसको सरकार को देखना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे, नहीं तो हम लुटते रहेंगे, आम व्यक्ति लुटेगा, उसको रोकने की जरूरत है। आम व्यक्ति को कैसे इलाज सस्ता और सही ढंग से मिले, इस पर नीति बनाई जानी चाहिए, राष्ट्र की भी बने और राज्य की भी बने। बिल्कुल स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अभी श्याम जी ने कहा कि ये डबल पॉलिसी चल रही है, समानता का अधिकार नहीं चल रहा है आरयूएचएस में। जैसा कि उन्होंने कहा कि ऊपर की मंजिल में वीआईपी ट्रीटमेंट अलग चल रहा है और नीचे की जो मंजिल है उसमें अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि सभी के लिए समान रूप से सरकार को आगे आना चाहिए? देखिए दीपक जी, बिल्कुल सही बात है। बीमारी सबकी एक है, संक्रमण सबके एक है और इलाज भी सबका एक ही होना है। इसमें कोई भी वीआईपी हो तो वीआईपी होने से उसको बीमारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारी सरकार की ये पॉलिसी है कि सबको स्वस्थ रखें, हम राजस्थान को स्वस्थ रखें, निरोगी राजस्थान हो। इसके लिए हमने मुफ्त वैक्सीनेशन का तो कार्यक्रम अभी हाथ में लिया ही है, इसके अलावा मुफ्त दवाओं का कार्यक्रम चल रहा है, मुफ्त इलाज हम कोरोना का यहाँ पे सब जगह करवा रहे हैं, उपलब्ध करवाएंगे। जब बेड्स बढ़ाने की है तो हमने 2 जगह सेंटर्स बनाए, जयपुर में भी और जगह भी ये तैयारी चल रही है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक बहुत अच्छी योजना अशोक गहलोत जी लाए हैं, जिससे आगे जाकर के भी और अभी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो गरीब है उनको मुफ्त में, और जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ 850 रुपए में, उनको ये 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी अस्पताल में है, राजस्थान के 1,000 अस्पताल है करीब, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहां पे मुफ्त मिलेगा। तो हमारी योजना सबको साथ लेकर के सबको समान रूप से लाभ पहुंचाने की, किसी कोई बीमार ना हो, बीमार हो जाए तो उसको इलाज में कहीं पैसे की कमी ना आए, इसका जो है हमने ध्यान रखा और रखेंगे, इसके लिए तत्पर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना है। लेकिन स्थितियां बहुत भयावह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसाधन जो इतने हैं उससे अधिक मरीज हैं, तो ये सब मैनेज हमें करना होगा, जितना हम सुरक्षित खुद को रख सकते हैं रखें। हमारी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि 15 मई तक खुद कोटा लेने की बजाय, क्योंकि उनको जाने किन किन स्टेट्स में देना है, राजस्थान को और अन्य स्टेट्स को लेने दें। हम युवाओं को वैक्सीनेट यदि कर देंगे तो इस बीमारी पे जल्दी रोकथाम लगेगी, जल्दी ही इस जो संक्रमण है इसको रोक पाने में सफल हो पाएंगे। ये करबद्ध प्रार्थना है, हम किसी कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ये बात हमारी अगर अच्छी लगे तो इवेल्युएट कर लें केंद्र के स्तर पर, और अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता तो वही है, देश की ही जनता है, हम भी देश के ही नागरिक है। चाहे राजस्थान में आपकी सरकार ना हो, लेकिन अगर राजस्थान के भी लोग हैं, 25 सांसद तो आपको चुन के राजस्थान ने भी दिए हैं, जितने भी सांसद हैं, तो उसमें आप का फर्ज बनता है। तो हम सब मिलकर के एक नीति एक राष्ट्र के लिए अगर इलाज की बनाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य में संक्रमण रहे और बाकी में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। होगा तो सब जगह ठीक होगा, बिगड़ेगा तो सब जगह बिगड़ेगा। बिल्कुल, आम जनता समान है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या किसी भी राजनीतिक दल की हो। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो वीआईपी कल्चर को लेकर मैं सवाल उठाया था उसके बारे में, क्योंकि ये देखिए सबके साथ लागू होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी के साथ लागू होता है। जो सवाल यहाँ पर स्वर्णिम जी ने उठाया था कि बीजेपी कार्यालय से रेमडेसिविर बांटे गए या दिए गए, क्या ये वीआईपी कल्चर उचित है या नहीं? देखिए दीपक जी, अभी श्याम जी ने एक बात कही, 8वीं मंजिल की आरयूएचएस की, सबको पता है, श्याम जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई तो बात में दम है, इसीलिए उन्होंने उठाई। समस्या क्या है, स्वर्णिम जी ने कही, स्वर्ण जी फिर क्या है? आप कांग्रेस के ऊपर आरोप मत लगाइए, आप अपने सवाल मेरे सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल की बात पे आ रहा हूँ। जनता जानती है जो स्थिति है, वो सभी जानते हैं। हाँ, तो वो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने बात कही ना कि साहब ये वो कभी बात राजस्थान की, अच्छा मैं राजस्थान पूरे देश की महामारी है, वैश्विक महामारी है। और इंसान की आप से ये जानना चाहता हूँ आलोक जी, क्या रेमडेसिविर लेने के लिए बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बनना पड़ेगा क्या? ऐसा है दीपक जी, ऐसा आपने कहा ना रेमडेसिविर के लिए, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैंने बता दूं कि परसों मैंने, मेरे पास खुद राजस्थान की जानकारी लेने के लिए रात को फोन आया, सुधीर गुप्ता जी मंदसौर से सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उन्होंने फोन करके पूछा कि आलोक भारद्वाज जी, राजस्थान में रेमडेसिविर की कोई पॉलिसी बनी है कि उनके खुद का पेशेंट? तो अगर आप ये देखो, ये आरोप प्रत्यारोप बीजेपी वाले बांट रहे होते तो सुधीर गुप्ता जी को आलोक भारद्वाज जैसे छोटे व्यक्ति से जानकारी लेने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, पहली बात तो ये गलत में भी लोग निकालते हैं। और सामंजस्य, सद्भाव, स्नेह, प्रेम से सबको हृदय से स्वीकार कर लेंगे हम, जब हम मलिनता हटा देंगे ना आपस में, शिकन भूल जाएंगे, तभी इस कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। अदरवाइज तो हम कांग्रेस बीजेपी आपस में करते रह जाएंगे, और फिर ये नेता लोग जाकर, अकबर और बीरबल की कहानी में होता था, पेड़ों से बात करना, जनता ही नहीं बचेगी, फिर क्या पेड़ों को अपनी बातें सुनाएंगे? ये सोचे सारे नेता, मैं तो दोनों पार्टियों के लोगों से कह रहा हूँ इस बात को,
सभी प्रकार के खर्चीले कार्यक्रमों को गैर सरकारी हो चाहे सरकारी हो रद्द करें, समाज की सारी ताकत जनता को बचाने में लगाएं, और जब जान बच जाए और असफलता असफलता गिनाने का वक्त नहीं है, मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने इसके लिए ये करवाया, अभी गिनती गिनाने का वक्त नहीं है कि मैंने 5 की मदद करी 10 की मदद करी, सफलता असफलता बांचने का टाइम बाद में आएगा, अभी है जनता की जान बचाएं, जनता बचेगी तभी आप और हम रह पाएंगे, ये बहस भी कर पाएंगे, लोग देख पाएंगे, सच्चाई है। बिल्कुल, पूरे देश का और दुनिया का माहौल भी यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी मदद कर सकते हैं, चाहे छोटी सी मदद कर सकते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी इस महामारी के समय। मैं चलते चलते बस अंतिम कमेंट्स में जो इसको हम क्लोज कर रहे हैं उसमें मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप चलते चलते हमारे कार्यक्रम के माध्यम से देश की और हमारी जो आम जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर जी, सबसे हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस महामारी को बचाव के लिए खुद को सजग होना पड़ेगा, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बेवजह बाहर नहीं निकले। तो अगर आप परिवार को और अपने मोहल्ले को इससे बचाव कर लेंगे तो निश्चित रूप से दवाइयों की कमी है, मरीज ज्यादा है, निश्चित रूप से राजनीति भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन व्यक्ति खुद सजग होकर के इस बीमारी से लड़ेगा तो देश आराम से बच पाएगा और कम पीड़ित हो पाएंगे। पीड़ित हो रहे हैं इसलिए आज समस्या हो रही है, और उसका समाधान सरकार के माध्यम से हो पाना मेरे को लगता है संभव नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। इसलिए हर नागरिक का दायित्व है और संदेश पहुंचाना है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हम यह अपनाएंगे नीति तो इस बीमारी से निमट पाने में सरकार का सहयोग भी करेंगे और सरकार से सहयोग ले भी पाएंगे, जो कि निश्चित तौर से हम सरकार को सहयोग भी करना चाहिए हमको और सरकार से भी हमको मदद लेनी चाहिए। स्वर्णिम जी, मैं आपके से जानना चाहूंगा कि ऐसी भयावह स्थिति में अगर कोई आम जनता परेशान होती है तो सरकार ने उन आम जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं, सरकार ने कहां उनको संपर्क करना चाहिए, कहां उनको संपर्क नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनको पूरी तरह से लाभ मिल पाए, आप वो रास्ता जरूर बताएं हमारे दर्शकों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे कि उनको सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनका वो पूरी तरह से उपयोग कर सके और वो इधर उधर भ्रमित ना हो, क्योंकि आप जो कहेंगे बिल्कुल सही वो समझ पाएंगे, जिससे कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है आप वो जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल दीपक जी, मैं यहाँ पे 3 बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखें, घबराएं नहीं, यदि किसी को संक्रमण भी हो जाए और कोई भी आवश्यकता है, कोई भी परामर्श लेना है तो 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, इस पे सब लोग संपर्क करें। चिकित्सा मंत्री ने भी अपनी निजी हेल्पलाइन जारी की है। इसके अलावा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कंट्रोल रूम बनाया है, फोन नंबर है 236-1355। जिस भी व्यक्ति को जैसी भी समस्या हो, चाहे बेड की हो, हॉस्पिटल की हो, किस कुछ भी हो, हम उसका निदान करने के लिए आप वहां पे हमें नोट कराएं, आप नोट कराएंगे, हम पलट करके उसका निदान निकाल करके आपको सूचित करेंगे और आपको उसके जो समस्या है, चाहे बेड की हो, ऑक्सीजन की हो, इंजेक्शन की हो, चिकित्सा की हो, परामर्श की हो, वो सब आपको मिलेगा। पूरे राजस्थान भर से आप संपर्क कर सकते हैं 236-1355। ये हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कंट्रोल रूम नंबर है, 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है, चिकित्सा मंत्री जी ने भी हेल्पलाइन जारी की है। जहां भी आप उचित समझें, जहां भी आपकी जो समस्या है उसको नोट कराएं, आपके पास पलट करके आपकी समस्या जान करके उसका हल निकाल करके हम स्वयं पहुंचेंगे। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को कि घबराए नहीं और ये माने कि हम आपके साथ हैं, खड़े मिलेंगे, आपसे जुड़े हुए मिलेंगे, आपकी समस्या हल करेंगे, संपर्क करिए। बिल्कुल, स्वर्णिम जी ने जो नंबर बताए हैं वो हम टीवी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आम जनता जो है इन नंबर्स पर संपर्क कर सकती है, जिससे कि सरकार की योजनाओं का, सरकार ने जो उनके लिए प्लान किया हुआ है उसका पूरा पूरा फायदा आम जनता को मिल सके। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे। दीपक जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी ठीक है, हेल्पलाइन है, सब चीजें हैं, है ना, केवल प्रचार और प्रसार का माध्यम नहीं होकर जनसेवा का माध्यम बने, पड़ोसी की पड़ोसी मदद करे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये हो गई कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे, और कोरोना मानव के नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध है, ये सचमुच में ही अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है, कोई माने या नहीं माने, अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है। सुविधा संपन्न सब चैन से बैठे हैं घरों में, कोई कुछ भी कह दे, आप कितनी भी गलाई ने गिना दो, कोई सी भी पार्टी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सुविधा संपन्न लोग सब बैठे हैं चैन से घरों में, आम आदमी की राहें हर ओर से अवरुद्ध हैं। मुझे भरोसा है एक दिन तो संभलेगा, समझेगा ये राजनेता अपनी गलतियां,
देश का जो भी राजनेता है राष्ट्रनेता बने, राजनेता नहीं राष्ट्रनेता बनने का समय है। मुझे भरोसा है कि एक दिन तो संभलेगा, संभलेगा ये और समझेगा राजनेता अपनी गलतियां, क्योंकि ये राजनेता कम से कम मेरे भारत की सामान्य भोली वाली जनता से तो अधिक प्रबुद्ध है, अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, ये समझ जाएंगे, राष्ट्रनेता बन जाएंगे, आपसी फासले मिट जाएंगे, एक दूसरे की आलोचना दूर से खत्म हो जाएंगे, तभी हम कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। बिल्कुल, हमारा भी बस यही संदेश है। आप तीनों ने जो हमारे कार्यक्रम में भाग लिया उसके लिए धन्यवाद, और आम जनता से हमारा यही कहना है कि वो सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पूरा पूरा उपयोग करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जरूरत ना हो तो प्लीज प्लीज अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सरकार हो चाहे आम जनता हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोग आपकी सेवा में तैयार हैं, लेकिन आपको वो गाइडलाइन जो है उनको फॉलो करनी है, जिससे कि आप खुद बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और आप सभी तीनों ने, श्याम जी आपने, स्वर्णिम जी आपने, और आलोक जी आपने जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के माध्यम से। चैनल का भी धन्यवाद, सिटी लाइव टीम का धन्यवाद, शुक्रिया दीपक जी टीम सिटी लाइव का भी धन्यवाद कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और जनता को कम से कम अवगत कराते हैं, समझदारी सिखाते हैं बैठ के। तो आपकी आप सभी का धन्यवाद, फिर हम एक बार फिर आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Live, a platform to sharing your thoughts.